किसी भी चीज के रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास ये जो फार्मूला, इसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सिंबल ओम है, हमारे पास यहाँ पे वोल्ट है, वोल्ट का सिंबल वोल्ट होता है, हमारे पास यहाँ पे पावर है, पावर का सिंबल हमारे पास वाट्स है। जैसे कि एलिमेंट्स हमेशा आपने देखे होंगे, सुने होंगे कि वो वाट्स है, ये इतने वाट का एलिमेंट है और ये इतने वाट का एलिमेंट है। ये किस तरह से किए जाते हैं कि ये इतने वाट का एलिमेंट है, ये किस तरह से आपको पता लगेगा, तो अब उसके बारे में हम जानते हैं। R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर पी। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वी स्क्वेयर ओवर पी, यानी कि रेजिस्टेंस हमारे पास ओम है, बी हमारे पास वाट जो है वो हमारे पास वाट्स ही है, हमारा पी जो है पावर जो है वो हमारे पास वाट है। अब ये आगे हमारे पास रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बी ओवर हमारे पास पी, हमारे पास यहाँ पे क्या वाट्स। अब जैसे कि हमारे पास 1200 वाट्स का एलिमेंट है, अब 1200 वाट्स का जो एलिमेंट है उसको हमें कैसे पता लगेगा कि ये 1200 वाट्स का है या नहीं है, हम उसको कैसे वो जो है डिफाइन करेंगे कि बाकी ये है या नहीं है। उसके लिए हमने करना आर इज इक्वल टू, हमारे पास जो अमूमन घर में जो वाट जो हमारे पास वोल्ट्स आ रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो हमारे पास 220 होते हैं अमूमन। तो 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 1200, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास फिगर आएगा वो आएगा 48400। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1200 से, बारह सौ वाट जो कहा जाता है। जैसे कि वाट्स में आपको जो कैलकुलेशन दी जाती है कि इतने वाट का एलिमेंट है या ये इतने वाट का हीटर है या जो भी आपको बताया जाता है, अब ये हमने किया तो इसके हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी निकली है 40.3 हमारे पास रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो है हमारे पास ओम।